प्रिय विद्यार्थियों आप सभी को शुभकामनाएं। नान निम्न रुद्रेश आचार्य इन शिक्षक और बीजीएस रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल शरावती नगर शिवमोग्ग। आप सभी दसवीं कक्षा का अभिनव मनुष्य कविता को देखिए। इस पद्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर। कवि का जन्म 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ था। कवि का प्रमुख रचनाएं हैं मुकर, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूपचह, कुरुक्षेत्र, भापु, रश्मिरति आदि। प्रस्तुत अभिनव मनुष्य पद्य भाग को कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। प्रस्तुत इरतक्कंथ अभिनव मनुष्य पद्य भागवन्न अवरदे आदंत ओंदु संकलन कुरुक्षेत्रदिंद आय्दुकोळ्ळलागिदे। इस पद्य में आयु है शब्द अर्थ। अभिनव इसका अर्थ है नया, वारी जल, हुकुम आज्ञा, व्यवधान पर्दा, सरित नदी, सिंधु सागर, ज्ञेय जानकारी, श्रेय ऐश। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಾಗಾದರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ರಾಗವಾಗಿ ಆಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ। दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसी। बंधे नर के करो में बारी विद्युत हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का तार। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसी। सरित गिर सिंधु एक समान। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसी। जिसका गगन में जा रहा है यार, कांपते जिसके करों को देख कर परमानु। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसी। जो
सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है निज ही पुरुष आसीन। सब कुछ इसे है गे, पर ना यह परिचय मनुज का, यही ना उसका श्रेय। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है निज ही पुरुष आसीन। सीमित मानवों से आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है निज ही पुरुष आसीन। और मानव भी वही।